नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि मेरे पास एक और कमेंट आया था, बहुत ही अच्छा कमेंट है। इन्होंने कमेंट में लिखा हुआ है, भाई साहब ने हमारी बालूशाही फ्राई करते समय फट जाती है, क्या करें भैया बताइए कुछ इस विषय में। जो कि हमारे प्यारे बहन भाई दोस्त जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में भी कोई भी सवाल है तो आप भी कॉमेंट करके पूछ लेना भाई, आप किस विषय में जानना चाहते हो, ठीक है, उसी विषय में आपकी वीडियो बना करके दी जाएगी। जो कि मैंने इसका सवाल अच्छा लगा भाई साहब का, भाई मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, उसको आपने ध्यान से देखना है और सुनना है, ठीक है। जैसे कि हम मान के चलते भाई, हमने 1 किलो मैदा ली है, ठीक है। 1 किलो मैदा के अंदर आपने कमी देखनी है भाई, हमने क्या कमी की थी, ठीक है। 1 किलो मैदा के अंदर मैक्सिमम हमने 250 ग्राम घी डालना है, ठीक है। घी गर्म करके जिस टाइम हम गुनाई करते हैं मैदा की, ठीक है, 250 ग्राम घी डालना है। 250 ग्राम घी डालते हैं तो हम मैक्सिमम 1.5 चम्मच इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालते हैं, ठीक है। 1 चम्मच अमोनिया डालते हैं इसके अंदर। ये चीज़ें हैं हमारी जो कि इसके अंदर जो हमारा मसाला लगेगा, ठीक है। ये जो हमारा मसाला है, ये लगा करके बनाएंगे तो हमारी जो बालूशाही है वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए हमने थोड़ा सा मसाला तेज़ लगा लिया है तो क्या करना है, हमने जो जिस टाइम पर हम सिकाई करते हैं, लेकिन आपने सही लगा लिया मसाला, ठीक है, जो भी भाई मैंने क्या भी कुछ भी बताया हो, आपने मसाला सही लगा रखा है, उसके अंदर कमी क्या है भाई, जो हमारा सेक्का है वो काफ़ी मंदा सेक्का है, काफ़ी मंदे सेक्के के अंदर आपने छोड़ दी, इसलिए हमारी बालूशाही फट रही है। यदि हमारा मसाला ज़्यादा हो गया है तो हम तेज सेक्के में बालूशाही को पका लेंगे, ठीक है। यदि हमारा मसाला कम रह जाता है तो हम मंदे सेके में पका लेंगे, मसाले में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा देखने को। यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो सिकाई में हम उसको कवर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी भाई साहब, गुजारिश करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, समझ आया तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।